बिजनेस होल्डर जो है इसमें जंग लगा हुआ है, और जो इसकी जो चेन है चेन में जंग लगा हुआ है। सी सो मुझे चेन ड्यूब करनी पड़ेगी, होल्ड होल्ड जंग गाइस। तो यहाँ पे देखो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज बाब हुरिया एंड वेलकम टू द चैनल। सो गाइस, आज डेढ़ महीने के बाद बाइक स्टार्ट करूँगा, सो लेट्स सी। मुझे थोड़ा सा डाउट है कि स्टार्ट होएगी कि नहीं होएगी, सो लेट्स स्टार्ट द बाइक गाइस। गाइस स्टार्ट हो रही है बट बंद पड़ रही है बीच में। सो गाइस, डेढ़ महीने के बाद बाइक स्टार्ट हो गई है, सो इट्स इज गुड न्यूज़। मुझे डाउट था कि अगर बाइक स्टार्ट नहीं हुई मैं पहले बाइक को ऑफ कर लेता हूँ इसको, नहीं तो ये शोर में सुनेगा नहीं कुछ भी। मुझे पहले डाउट था कि अगर स्टार्ट नहीं हुई तो मुझे फिर मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा, बट लकली इट हैज़ स्टार्टेड। एंड पर थोड़ा सा जंग लग चुका है गाइस, चेन इसकी चेन ल्यूब करने को है, उसमें काफ़ी जंग लगा हुआ है। चलते हैं राइड के ऊपर और इसको चेन को ल्यूब करवा के आते हैं, फिर छोटी सी राइड भी हो जाएगी। तो सी ऑन द रोड गाइस। गाइस, तो डेढ़ महीने के बाद हिमालयन को स्टार्ट किया और लकली स्टार्ट होगी गाइस। मुझे डाउट था कि शायद स्टार्ट नहीं होएगी, बट गुड ऑन यू रॉयल एनफील्ड, गुड ऑन यू। तो मुझे था कि पहले की स्टार्ट नहीं हुई तो मुझे विजय को बुलाना पड़ेगा घर, बट स्टार्ट हो गई है तो मैं विजय के पास ही जा रहा हूँ अभी, क्योंकि चेन में जंग लग चुकी है तो उसको ल्यूब करवाना पड़ेगा गाइस। तो मैं पहली बार बिना राइडिंग गियर्स के निकल रहा हूँ गाइस, इवन मैंने ग्लव्स भी नहीं पहन रखे हैं, टी शर्ट और निकर में हूँ। सो आई एम नॉट फीलिंग सेफ बट इट्स ओके, समटाइम्स यू शुड फील फ्री गाइस। बाइक पहले की तरह परफॉर्म कर रही है, कोई मुझे ऐसा कोई इशू नज़र नहीं आ रहा कि डेढ़ महीने के बाद बाइक जो है वो स्टार्ट करी है तो कुछ ऐसा इशू मेरे को फील होएगा। मैं पहले डरा हुआ था कि शायद बाइक पहले स्टार्ट नहीं होएगी, अगर हो भी गई तो शायद अच्छे से नहीं चल पाएगी, बट नहीं, अच्छे से चल रही है। पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था बाइक को, तो ऐसा लग रहा है जैसे जल्दी से घर पहुंचूं और मैं बाइक राइड करूं, और फाइनली आज मैं बाइक के ऊपर हूं और बाइक की वॉशिंग होएगी अच्छे से। मैं यहीं पे आता हूं बाइक वॉश करवाने के लिए भी, और ये लड़के अच्छे से धोते हैं विच इज़ गुड। और गाइस अभी तो बंद है, चलो वैसे गेड़ी मार के आते हैं, अभी ये बंद पड़ा हुआ ये। सो गाइस, मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, यहाँ बारिश हुई है, मेरे घर में बारिश नहीं हुई, यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर है तो क्योंकि वहाँ पे, बट यहाँ बारिश हुई है और अच्छी खासी बारिश हुई है। तो गाइस बड़ी जल्दी मैं प्लान कर रहा हूँ कुछ लंबी लंबी राइड्स करने की, अभी वो सिर्फ प्लान है तो अभी मैं बताऊंगा नहीं, जिस दिन राइड पे निकलूंगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो होपफुली मैं विद इन 1 वीक जो मैं निकल जाऊँगा यहाँ से, तो ये बहुत ही लंबी राइड आने वाली है। बेटा क्या कर रहा है,
गाइस वापस चलना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि बारिश शुरू हो गई है। सो लेट्स गो बैक। मुझे डर है कहीं गोप्रो पे पानी ना चला जाए, क्योंकि मैंने इसका वाटरप्रूफ निकाल के रखा हुआ, क्योंकि अगर वाटरप्रूफ लगा के रखूँगा तो माइक स्टार्ट नहीं होएगा, और माइक अडेप्टर लगाने के लिए मुझे जो है वो इसका वाटरप्रूफ निकालना पड़ता है साइड से। सो अभी लड़े सी गाइस, अभी घर के लिए भाग रहा हूँ फटाफट, तो होपफुली बारिश से पहले पहले घर पहुँच जाए। गाइस हमारे एरिए में इतने आवारा जानवर हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट्स को काउज कर रहे हैं गाइस। सो वैसे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इन आवारा एनिमल्स को रोड से हटाने के लिए। गाइस विजय तो बंद है आज, तो आज तो चेन की लीव होने से रही। अभी मैं कल फिर से आता हूँ, कल बाइक भी धुलवानी पड़ेगी और बाइक को लीव भी करना पड़ेगा, तो अब ये सारे काम कल ही हो पाएंगे। बट लकली आज चलो अच्छा है, एक छोटी सी राइड हो गई है। इस राइड का फ़ायदा ये है कि एटलीस्ट बैटरी जो है वो रिचार्ज हो गई है, क्योंकि लंबे टाइम तक बाइक खड़ी रहने से मुझे नहीं लगता कि बाकी और कोई दिक्कत आने वाली है या आती है। मुझे सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आ रही है और वो है शायद इसकी बैटरी, कि अगर किसी भी बाइक की अगर लंबे टाइम से उसको स्टार्ट नहीं किया जाए तो बैटरी के जाने के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं। लोकल रोड पर चलने का एक अलग ही मज़ा आता है गाइस, मतलब बाइकिंग का यार हर जगह पे एक अपना डिफरेंट ही मज़ा रहता है। अगर आप हाईवे पे हो उसका एक अलग मज़ा है, आप लोकल रोड्स पे हो उसका अलग मज़ा है, और अगर आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो तो फिर तो कहना ही क्या है ना उसका, वो तो फिर कोई भी बाइकर है वो ऑफ रोडिंग तो उसके लिए एक गोल्डन मोमेंट रहता है गाइस। अब ये देख लो कि ऐसे नज़ारे सिर्फ हिमाचल में मिलते हैं गाइस, बारिश भी हो रही है, जंगल है, टेढ़े मेढ़े रोड हैं, बाइकर्स के लिए और क्या चाहिए। जो बाइक लवर्स हैं उनके लिए ये तो हेवन है गाइस। शाम के 6 बज चुके हैं, सी गाइस हिमालयन का ये तो फ़ायदा है रोड टूटी फूटी जैसी मर्जी हो मक्खन की तरह निकलती है। राइड ओवर हो गई है, एक छोटी सी राइड मार के आया, वो लकली अभी बारिश नहीं हो रही है, नहीं तो जब हम रोड पे थे बड़ी ही ज़ोर से बारिश पड़ने लगी थी एक टाइम पे, तो फिर भागे फटाफट चेन ल्यूब करने के लिए जो गया था, चेन ल्यूब नहीं हो पाई गाइस। क्या था कि आज विजय बंद था, तो मुझे नहीं पता कि शायद वो संडे को ऑफ रखते हैं,
बट वो बंद थी अनफॉर्चुनेटली, तो आज तो चेन ल्यूब नहीं हो पाई, तो चेन ल्यूब कराने के लिए कल लेके जाऊंगा और उसकी वॉशिंग भी करवाऊंगा अगर बारिश नहीं हुई तो। ऑलराइट गाइस, सो इसी के साथ मैं यहीं पे ब्लॉग को एंड करता हूँ, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और टिल देन टेक केयर, हैव फन, एंजॉय लाइफ, एंड प्लीज ऑलवेज वेयर द हेलमेट व्हाइल यू गाइस राइड, एंड प्लीज कीप दिस ब्यूटीफुल कंट्री क्लीन गाइस, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड वॉच, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज गाइस, थैंक यू, बाय।